नमस्कार, स्वागत है आपका लोकपत न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो आज यानी 9 फरवरी को ऑटो एक्सपो 2018 जनरल पब्लिक के लिए खुल चुका है ये। और एक्सपो 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक है। तो इस वक्त मैं BMW के पवेलियन में हूँ और मेरे ठीक पीछे BMW 6 सीरीज है जिसको खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अनवेल किया था। तो जनता से बात करते हैं, कितने एक्साइटेड है वो ऑटो एक्सपो के लिए? कितने एक्साइटेड है आप? हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बार के ऑटो एक्सपो के लिए। इस बार बहुत सारी नई कंसेप्ट कार लॉन्च हुई है। जैसे BMW का लाइनअप मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। BMW M4 और BMW M5 नए मैट कलर्स में बहुत सुंदर है। कौन सा पवेलियन आपको यहाँ पे सबसे अच्छा लगा? BMW, इट इज़ द बेस्ट। टाटा ने भी कई नई कॉन्सेप्ट कार्स निकाली है। जी, टाटा H5X एंड टाटा 45X, दीज आर रियली सुपर, बहुत अच्छी कार्स हैं। इंडिया के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, डीजल पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में आ रही है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। तो और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, क्या कुछ खास लगा आपको ऑटो एक्सपो में? मर्सिडीज का जो मॉडल 350 है उसमें और इनोग्रेट किया है मॉडल्स में, और जो हुंडई है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है इन दिनों, और जो किया है वो इंडिया में अपना लॉन्चिंग ब्रांड बना रही है जिस वजह से उनकी भी अच्छी कार है। बाकी इंडिया के सेक्टर को देखते हुए ऑटोमोबाइल कंपनीज में जहाँ तो हुंडई रोड पर ज़्यादा भागेगी। आपको क्या खास लगा यहाँ पे ऑटो एक्सपो में? मुझे बहुत अच्छा लगा महिंद्रा का कार की कार का टाटा की कार का जो कॉन्सेप्ट कार वो लेकर आ रहे हैं, और उनके जो लुक है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत मैच करती है। तो अगर वो चाहेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो लॉन्च करना चाहें तो दे विल नॉट लेक बिहाइंड फॉर श्योर, दे विल डेफिनेटली विन द मैच फॉर श्योर। तो ऑटो एक्सपो से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए लोकपत न्यूज़ हिंदी।